नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोरोना से बचाव के लिए देश और दुनिया में जागरूकता लाने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। इसके बावजूद देश के कई हिस्सों से सुरक्षा प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ने की तस्वीरें और वीडियो आए दिन सामने आते रहते हैं। ताजा मामला उड़ीसा के गंजम जिले का है। यहाँ से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहाँ सैकड़ों महिलाओं को बिना कोविड प्रोटोकॉल की परवाह किए डीजे म्यूजिक के शोर के बीच कलश यात्रा निकालते देखा जा सकता है। आपको बता दें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पर रखकर ये कलश यात्रा गंजम जिले के सेरागाड़ा ब्लॉक की कृष्णाचाही गांव के मंदिर की स्थापना के अवसर पर निकाली गई है। इसमें महिलाएं पवित्र जल से भरे कलश सिर पर लेकर यात्रा निकालते देखी गई हैं। बता दें कि ओडिशा में भी देश के कई और राज्यों की तरह लॉकडाउन लागू है। ओडिशा के सभी जिलों में गंजम में दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे में यह यात्रा कई लोगों की सेहत के लिए चिंताजनक स्थिति पैदा करती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भनक लगे बिना कैसे यह आयोजन हुआ और नियमों का खुला उल्लंघन किया गया, वो भी ऐसी स्थिति में जब ओडिशा में कोविड-19 के केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। उड़ीसा में हर दिन नए केसों का आंकड़ा 10,000 से ऊपर जा रहा है। राज्य में 26 जिलों को रेड जोन घोषित किया गया है। इन सभी जिलों में एक्टिव केसों की संख्या 1,000 से ज्यादा है। देश में अकेले उड़ीसा ने ऐसी तस्वीर पेश नहीं की है। इससे पहले गुजरात के अहमदाबाद के सारंद ने पूजा अर्चना के नाम पर भीड़ की ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, जिसे देख कर कोई भी हैरान रह गया था। हजारों की भीड़ में लोग बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा में शामिल हुए थे। हजारों महिलाओं और पुरुषों ने एकत्र होकर बलिया देव मंदिर से कलश यात्रा निकाली थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर 23 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं ठीक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं में सामने आया। यहां हजरत अब्दुल हमीद मोहम्मद साले मुल कादरी का रविवार को इंतकाल हो गया था। जैसे ही लोगों को उनकी मौत की खबर लगी, दूर दूर से उनके जनाजे में लाखों लोग इकट्ठे हो गए थे। काजी मोहम्मद सालिमुल कादरी के इंतकाल के बाद उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन और जनाजे के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोगों ने लॉकडाउन के खुले में धज्जियां उड़ाई और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से अनदेखी की। सबसे बड़ी बात यह रही कि पुलिस और प्रशासन को उसकी जानकारी भी नहीं थी कि जनाजे में इतने लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद कोरोना को लेकर फैलाई जा रही जागरूकता ही नहीं, समाज की चेतना पर भी सवाल उठना लाजिमी है। कोरोना का अभी कहीं भी कोई पुख्ता इलाज नहीं मिल सका। दुनिया भर में इसके असर को कम करने वाली वैक्सीन सामने आई है, तो दूसरी ओर कोरोना बार बार और भयंकर रूप अख्तियार कर रहा है। ऐसे में वैज्ञानिक और डॉक्टर लगातार सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन को ही कोरोना से निपटने का पहला उपाय बता रहे हैं। वैक्सीन का नंबर इसके बाद आता है, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद इम्यूनिटी बनने में समय लग रहा है। कई बार जो इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा कारगर ढंग से नहीं बना पा रहे हैं और टीके लगने के बाद भी मरीजों की कोरोना से स्थिति प्राण घातक हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।